हेलो एवरीवन। तो लास्ट ऑफ द मंथ 31 दिसंबर आ गया है 2022, उसे स्टॉप करके। और आज हम अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि 2022 सबका कैसा रहा। तो फर्स्टली सेजल, सेजल बताए इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। बहुत अच्छा। इसमें सबसे अच्छा क्या रहा तेरा, मतलब इतने दिनों में, मतलब 2022 में अच्छा मोमेंट क्या था? बर्थडे सबसे बेस्ट। बर्थडे कुछ अच्छा गिफ्ट मिला हो? बर्थडे। 2022 में तुझे सबसे अच्छा पूरी साल में क्या अच्छा लगा जो हमारी लाइफ में हुआ? मेरा बर्थडे। अच्छा, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन। और वो बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड गिफ्ट या कैसे कैसा माना? पूरा दिन ही। पूरा दिन, पूरा साल का बस एक मोमेंट है तेरे पास? अच्छा, और बुरा क्या बुरा रहा? बुरा कुछ नहीं, सब सही था। अच्छा रहा तेरा 2022? सही था। अब तेरा एक्सपीरियंस सजर बता। सजर बैठो, अब बता सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा जो, मतलब 2022 का सबसे अच्छा दिन। बर्थडे बताया तो बस। बर्थडे, बर्थडे क्या करा तूने? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दोस्तों। और उसके बाद बुरा कोई सा दिन जो 2022 का कोई सा बुरा दिन? सुजल तू बता। अच्छा, इस 2022 में बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने आ गए। पहले मुझे नहीं आती थी ज्यादा, मतलब वही। मतलब ट्यूशन स्टार्ट करा या पढ़ाई पे कंसंट्रेट करा? नहीं, दोस्त मिलेगा अच्छे, वो आता सेकंड में दोस्त था, बहुत अच्छे अच्छे इक्वेशन चले हमने किए, कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है। और बहुत सारे इसका साइंस के, बहुत सारे इक्वेशन आ गई, मैथ की आ गई, और मैथ की तो आधी बुक सॉल्व कर दिया ने। और बुरा क्या रहा? बुरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इसने अब स्टडी पर, मतलब कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। और बुरा? बुरा कोई तबीयत खराब, किसी दोस्त से लड़ाई, या जो तू चाहता हो वो ना हुआ हो? बहुत ज्यादा मिल गए। तो 2022 तुझे दोस्त देखे गए? बहुत। अच्छा, अब आते हैं सुनील जी पर। तो सुनील जी बताएंगे आपके लिए लाइफ में 2022 जो 2022 था उसका सबसे अच्छा मोमेंट क्या था, क्या रहा? सभी कुछ अच्छा, रात को बढ़िया खाना खाया, पूरी खाना बहुत मजे से ना। एक कोई अच्छा दिन? हम घूमने गए बहुत जगह, मजे भी आए। मेरा 2022 सच में सब दो तीन जगह घूमने गए, सबसे बढ़िया वो रहा। हां, और बुरा एक्सपीरियंस? बुरा तो कुछ होता ही ना है, बुराई मतलब, हाँ सब मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना, बोलो। बुरा कुछ ना होता। तो 2022 हो, 23 हो, और आगे का जो भी साल आने वाले हो, पहले तो सबसे बड़ी बात कोई बुरा। मेरा 2022 का सफर इतना अच्छा रहा हमेशा, और सबसे बड़ी बात हर साल, मतलब पहला तो डिमांड करूंगी ऊपर वाले, बस टचवुड, मतलब फैमिली के साथ रहे हैं, क्योंकि उससे अच्छा एक्सपीरियंस कुछ हो ही नहीं सकता। अदरवाइज सबसे पहले सबसे बेस्ट मोमेंट थे कि शर्मा जी ने जितना हो सके इस बार मुझे 2022 में, मैं सबसे ज्यादा ट्रिप पे गई हूँ, सबसे ज्यादा एकदम क्लोजली फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स क्या, अपनी फैमिली के साथ इतने अच्छे अच्छे मुझे ट्रिप्स मिले हैं। और मुझे आपने सबने, मतलब मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप सबको पता है कि 2022 मेरे लिए इसलिए लकी रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रिप करे हैं। और इसी तरह से सबका अच्छे अच्छे मोमेंट। और बुरा कुछ नहीं होता, बुरे में भी खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनों के साथ रहो, इतने मजे आएंगे कि आपके लिए कुछ बुरा नहीं होगा। तो 2023 आपका भी वेलकम है। एस वेलकम इन 20 वेलकम, बोली वेलकम टू 2023। सेम आ जाइए 2023, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और इसी तरह से लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, जो भी रहेगा चलता रहता है, लाइफ है, कुछ ना कुछ लेके ही आएगी। बाय बाय एवरीवन, और हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए ही, आज से रिलेटेड हो जाता है हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये डे भी जैसा था वैसे। ये वाला टोपा मेरा नया वाला, कौन कर रहा खांसी? अच्छा, और तू चला गया था कहा? जब तू तेरे खांसी, आप बाहर जाओ, जब तेरे खांसी हुई तो पापा ने भगाया तुझे? हाँ, पूछो तू क्यों दांत निकल रहा।
शांति से सिवी और सुबह सुबह तू मूंगफली मत खा। मूंगफली खाने से क्या होगा मम्मी के? क्या होएगा? बीप कर देना, हम लोग वीडियो में बीप कर देना। अच्छा ठीक है, बीप कर देना वरना वो यूट्यूब वाले आपको डांट देंगे। कौन सी अच्छी लग रहा, क्या कर रहा है तू? आप देखिए बार्बी डॉल, बता कौन सा टोपा ज्यादा अच्छा लगता है? ये वाला, कोई सा, ये वाले में यहाँ मोती के काम है, और ये वाले में ये वाला, कोई सा भी ना, तू खुद अच्छा ना नहीं, सब वो सब बेकार लग रहा है, आप अच्छी लग रही हो। और ये दो टोपे का माइक का, और ये लोकल ब्रांड, और ये वाले मीचे मीचे, ये लोकल वाला, ये वाला सही है, और ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है? हाँ ये वाला अच्छा है, देख सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है? और ये वाला मुझे पहनने के बाद भी अच्छा लगा ना, आजकल ये आ रही है टोपे में, निकाल लो यूं ही, कल आज कल नहीं, कल रात को आया ये, है ना? ये पड़ा भी है, ये पहले पहले ताज, ये ताज, ओ मिनी मलेशिया खेल के देखे, अब देखो अब ढक पे कूप गए, क्या कर रहा है बालों को अंदर मत ले, हे श्री इंस्टॉल मिनी मलेशिया फास्ट इन 2 सेकंड, क्या कर रहा है भाई? हाथ में भी तो पहना है, ठंड लग जाएगी आपको, हाथ में ठंड लग रही है, नहीं हाथ में ठंड, दूसरे हाथ में ये सर बदतमीजी करे, बस बस उसकी नहीं, वो बेकार। एवरीवन, एक नई गुड मॉर्निंग के साथ वेलकम करती हूँ आपका इस वाले आउटफिट में, और आज की शुरुआत, बच्चे चले गए स्कूल, मैं उठ गई हूँ तो मुझे थोड़ी सी करनी थी, तो आज मैंने बनाए गर्मा गर्म मिक्स वेज सारी डाल के सब्जी वगैरह, मैं हमेशा चाय के साथ ले, मॉर्निंग आपकी भी मेरी चाय के साथ, ज्वाइन कीजिए चाय। और ये रहा मेरा फेवरेट का, जिसे लेंगे और अपनी चाय डालेंगे, और उसके बाद कितनी टेस्टी यम्मी, आय हाय देखिए आप, बिल्कुल यम्मी टेस्ट देखिए। और किस किस को पसंद है ये गोभी आलू, लो भाई चाय भी होगी, तो चलिए चाय भी डालेंगे, और ये आलू की सब्जी है, मुझे ये चावल ना हमेशा चाय के साथ ही पसंद है, आज से नहीं है पहले से ही, मैं जब अनमैरिड थी तब से, मतलब मुझे येलो राइस बहुत ज्यादा, तहरी भी बोलते हैं इसे, तहरी इस जैसे बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी सब्जियां होती हैं, और देखिए कितने टेस्टी यम्मी बने, मुझे गोभी के साथ खाने होते हैं, आहा इसका रेसा, माय गॉड। चलिए मैं भी कर लेती हूँ इंजॉय, मेरे आ रहा है मुँह में बहुत बहुत पानी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मेरी एक कजिन सिस्टर थी शीतल, शायद शीतल अगर मेरी व्लॉग देख रही होगी तो मुझे बहुत याद करेगी, क्योंकि हम दोनों ना इतनी सारी, मतलब प्लेट रहती थी ना, इतनी सारी प्लेट में ना घी उसमें बीच में घुसा के, कौन कौन खाता है चोटी बना के उसकी चावलों की, और जब खाते थे भगवान कितनी टेस्टी और यम्मी लगती है, कभी कभी ये यादें भी बड़ी अच्छी, मतलब फील आती है कि हम ऐसा भी करते थे, और आजकल समय नहीं होता बच्चों के पास तो ये खाने पीने के लिए, और उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से खाना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ड्रामे की वजह से बाहर की चीजों के लिए करते हैं, लेकिन घर में अगर इस तरह की चीजें मिले ना तो उन्हें वैल्यू ही नहीं है इस चीज की, तो आई एम सो एक्साइटेड टू ईट दिस यमी यमी राइस, गाजर गोभी मटर ग्रीन ऑनियन जरूर ट्राई। तो नाइट टाइम 9 बज गए हैं, और हमने बनाए थे आलू के पराठे, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने के यहाँ से हमारे लिए आए हैं टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, दिखाती हूँ आपको क्या आए हैं, ये हैं भटूरे, और इसमें क्या है अभी दिखाती हूँ आपको, इसमें भी काफ़ी यम्मी कुछ ना कुछ तो है जो इसके साथ खाया जाएगा। ओहो गुड़,
गुड़ छोले भटूरे के साथ, और इसके साथ है प्याज मिर्च, नहीं मिर्च वाली, अच्छा छोले भटूरे के साथ बनती है, और ये है यम्मी यम्मी छोले की सब्जी, ये सब्जी यम्मी यम्मी सब्जी। तो चलिए दोस्तों सभी करते हैं एंजॉय, अभी हमने तो खा लिए थे आलू पराठे, लेकिन टेस्ट जरूर करेंगे। अगर कोई मन से भेजता है ना तो मैं बताती हूँ इसकी टेस्टिंग करके कि ये कैसे हैं, और आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हमें मिला है ये, तो थैंक यू सो मच भैया एंड भाभी सेंडिंग छोला भटूरा पार्टी। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत करते हैं सूजो के साथ। हाय सूजो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, रेडी टू गो, क्या रख रही हो? जो कुछ घर में देखे सब रख लाया स्कूल में लेकर। गुड मॉर्निंग सेजल, दवाई के पैसे दे दो साथ के साथ। और मौसम हो गया है चेंज बहुत ज्यादा वाला, और इनका चाय नाश्ता ऐसे कुछ जल्दी जल्दी होता है सुबह की मॉर्निंग। और जैसे ही बच्चे, वैसे बच्चों का भी एक अपना ही वो है, मतलब बच्चों के बिना भी कुछ देखे पूरा घर हमारा खाली हो जाता है जब ये जाते हैं। और मैसी तो होता है कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मैं, मेरा भी मन लगने के लिए कुछ जो मैं अब करूँगी जब ये चले गए हैं, अब मैं सारा का सारा समेट दूंगी ये, और फिर मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद। कौन दूसरे स्कूल का है कोई? सभी 50 रुपए रह गए ना, दिए ना अंकल ना, उन्होंने दिए ही काम, इतने ही तूने बोला बैठ, उसने भी आवाज ना लगाई, देखो ये भी तो देख, उसने आवाज ही ना लगाई, मैं टाइम लगा होगा तेल डलवा के, ए इधर से ही ले लो। तो मैंने 200 रुपए दिए थे, बोला 150 रुपए का तेल डाल दो, उन्होंने 50 रुपए ही वापस नहीं दिए, तो हम आए वापस लेने के लिए और फिर चलेंगे आराम करके स्कूल जाना है। अभी नजारा क्या, स्कूटी चलानी नहीं है, और क्या नाम है, बिल्कुल बिल्कुल भी क्या नाम है, हवा, वो हवा नहीं लगनी चाहिए ज्यादा ऐसे, बल्कि जो स्कूटी चलाएंगे पहन के रखेंगे बिल्कुल, लेकिन मना करा स्कूटी चलाने से। सेजल के साथ आई हूँ आज आराम से सेफली, जैसा कि आप सबको पता ही है कि स्कूटी हम में सब चला लेते हैं। मार्केट हम आए हैं यहाँ, बिल्कुल 30 दिसंबर शिवा,
क्यों नहीं। गाड़ी में उस वो ठंड हो रही है या गेले का खिलाफ है इतने बॉडीगार्ड कौन है मेरे बॉडीगार्ड यस ठंड लग रही है ओस पड़ रही है। और जैसे कि सुनील जी हमेशा मतलब पूरे दिन बिजी रहते हैं तो उन्होंने बोला कि आ जाओ तुम्हें राइड कराता हूँ नाइट टाइम में और आपको कुछ खाना है तो चलिए गरम गरम कुछ खवा देता हूँ। तो उसके बाद रात को मार्केट जब बंद हो गई थी तो मैं गई थी निकली थी। हमारे मार्केटिंग एरिया है तो ऑल टाइम बिजी ही शेड्यूल रहता है तो बहुत मज़े आते हैं रात की नाइट राइड लेकर मुझे। और इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट। गुड नाइट एवरी वन।